कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में अज्ञात चोरों ने दो बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गंज डुंडवारा नगर के मोहल्ला काछियान से अज्ञात चोर विद्युत विभाग का 400 KV ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के पहोटा गाँव में स्थित तम्बाकू गोदाम से अज्ञात चोर तम्बाकू, सोलर प्लेट, कांटा सहित लगभग 5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। वहीं ट्रांसफार्मर चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और विद्युत कर्मी ट्रांसफार्मर को तलाशने में जुट गए। विद्युत कर्मियों ने देखा तो ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर निकाल लिया गया था और उनका खाली लोहा छोड़ गए। गंज डुंडवारा कोतवाली पुलिस फिलहाल अभी तक दोनों बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर सकी है। देखा जाए तो ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 5 बजे करीब गोदाम बंद करे गए हैं तम्बाकू की जी। हाँ, और सुबह आके हमने 9 बजे करीब खोली है। ये गोदाम आपकी कहाँ पे? ये मौजा बहुटा में है, एटा रोड पर। एटा रोड पर। अच्छा, फिर सुबह आके देखा ताले टूटे पड़े थे। हाँ, सामान ले गए थे। क्या क्या सामान? कितना सामान ले? कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 4 से 5 लाख के करीब है। 4-5 लाख रुपए की चोरी हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।